मैं राम सिंह पासी हूँ, बात करता हूँ खासी, चाहे दामल हो चाहे अरे किसी भैया के डर दबाव नहीं है। मैं बात आपसे क्या कहा, मैं पासी हूँ, जज्बात भरा हुआ बात भरी हुई है। रजवाड़ी जमींदारी अम्बेडकर साहब ने खत्म कर दिया, हमेशा हम लोगों के सामने रोटी डालने का काम किया और हम लोगों की बहुमत इसी तरह हम लोग देते रहे। हम अपना घर नहीं बना सकते, किराए घर में हम जाके रहे, हम ऐसे सरकार से खुश नहीं है ना रहेंगे। सरकार बदल क्या, हम लोग हाथी वाले हैं, हाथी को वोट देंगे। देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों, मैं रास्ते से जा रहा था, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की रैली थी और कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी, हम बात करेंगे कि इनकी पार्टी कितने लेवल पे, कितने अब हम पार्टी का माहौल लग रहा है, यहाँ से जनता क्या चाहती है। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देता हूँ जो लोगों के बीच हमारी समस्या को सुनने का और क्या कहते हैं न्यूज़ पे दिखाने का काम कर रहा है। और मैं पासी समाज सेवा कल्याण समिति एक संगठन से आता हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जहाँ तक उम्मीद मेरा है और जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ अपने संगठन के लोगों से, उत्तर प्रदेश के जितने भी अध्यक्ष हैं कि अधिकतर वो क्या कहते हैं बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी में है, और बहुजन समाज पार्टी से ही सब कुछ सीखे हैं और सीख कर आज बहुजन समाज के लोगों में वो आगे दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकें और इस 22 में 350 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के खाते में डालने का प्रयास है। यहाँ के जनसत्ता दल के पार्टी के राजा भैया जी हैं, तो राजा भैया के यहाँ कुछ दबाव है, कुछ आपके वोटर जो उनके डर से आप कुछ वोट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पासी समाज एकदम स्वतंत्र है और पासी समाज एक लड़ाकू कौम होता है, वो सबसे लड़ने के लिए भी क्षमता रखता है। रही बात क्या कहते हैं तो ये वोट की है, तो वोट में जनसत्ता और समाजवादी दोनों लड़ने के वजह से बीएसपी यहाँ 45 से 50 हजार लीड करके जीत हासिल करेगी और सुशील भाई को खाते में जाएगी। या ये कौन सा विधानसभा? 245 विधानसभा बाबागंज बहुजन समाज पार्टी के ही खाते में जाएगी और 50,000 वोटों से जीत होगी। आप दावा कर रहे हैं, लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से गिरीश पासी जी हैं उनको जिताया जाएगा? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ जो आए भी लोग हैं वो कुंडा क्षेत्र से कुछ पासी हैं और कुछ बाहर से क्या कहते हैं प्रचारक हैं, बाकी विधानसभा बाबागंज के बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास भी कॉल आई उनकी क्या कहते हैं मनोज पासी की, वो धुंदुरकीपुर के रहने वाले हैं, बीएसपी से ही कट के गए हैं, तो वो कुंडा क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो वो लोग हैं क्या कहते हैं जो बाबागंज के प्रॉपर पासी हैं वो सुशील भाई के साथ में खड़े हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी के खाते में सुशील भाई के क्या कहते हैं नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं वो 50,000 लीड देने का दावा है। बहुजन समाज पार्टी के 245 बाबागंज विधानसभा प्रत्याशी, क्या नाम? सुशील गौतम जी। तो साथियों, हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, मेरा नाम राहुल राव है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहता हूँ। जी जी जी, वर्तमान में वहीं रहता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैं यहाँ पर प्रचार करने आया हूँ बाबागंज में। सुशील गौतम जी जो इससे पहले जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है और बहन जी का आशीर्वाद मिला है उनको 245 विधानसभा बाबागंज से, उनका हम प्रचार करने आए हैं। यहाँ पर स्वर समाज जो है सुशील भाई के साथ है, हम 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो माहौल आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी जीत करेगी? पूरी तरीके से हम जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कंपेनियन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे सपा सरकार भी दावा कर रही है कि गिरीश पासी को जिताया जाएगा, तो इस पर आपके क्या कहना है? सपा शासन काल में 2012 का इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी ने भान कुमारी मायावती जी ने जो बनाया था, जैसे बहुजन महापुरुषों का जिला बनाया था बगल में भदोही है, उसका जो संत रविदास नगर बनाया था, सपा के शासनकाल आते ही उसने फिर से उसका नाम चेंज कर दिया, अब भदोही रख दिया है। और जो हमको आरक्षण मिला था वो अखिलेश यादव ने आरक्षण फाड़ने का काम किया था, ठेकेदारी में बहन जी ने आरक्षण दिया था उसको भी ख़त्म करने का काम किया है। तो हमारे साथ और युवा साथी हैं, हम और युवा साथी से बात करेंगे कि आप क्या लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर कि आपकी सरकार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी? जी सर, मैं तो पहले अपना
जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अभी भी देख रहे हैं, आप देखो कितने अच्छे से लड़ रहे हैं, हम सब साथ में बहुत दूर से हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं जी। तो हमारे साथ एक चाचा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा, आप ही क्या राय है, आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल चुनाव को लेकर कि आपकी पार्टी जीत करेगी? हमारी पार्टी एक नंबर पर रहेगी और रहेगी। हम राम बाबू गौतम सेक्टर के अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम पूरे क्षेत्र में टहल रहे हैं, सब SP का वोट दिखा रहे हैं। अच्छा, और भी पार्टी यहाँ, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो आप क्यों बसपा को क्यों चुन रहे हैं, इनका क्या कार्यकाल रहा है? ये बसपा का कार्यकाल बहुत अच्छा था और रहेगा। बसपा कार्यकाल में आज बहन बेटी की इज्जत भी बची रहती है, गुंडा माफिया नहीं रहे, और आज मतलब आएगी वही शासन काल को लेकर के आज जनता उसी सरकार को मांग रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 5 किलो चना, 1 किलो चना और राशन दे रही है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? भाजपा जो दे रही है 5 किलो राशन और वर्तमान में तेल दे रही है, सब कुछ कर रही है। ये जो जानवर छोड़े हुए हैं हमारे समाज की जनता, गौशाला बनाई है योगी सरकार, कोई गौशाला नहीं है, पूरे 121 जो है 100-100 एकड़ की जो है मतलब चट डाल रहे हैं, और हमारे साथी सब भागते हुए डांड पे जाते हैं, कहीं कीड़ा काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सब काटते हुए जो है, इसलिए भाजपा सरकार से नाखुश हैं। सड़क बना रही भाजपा सरकार, इससे सब नाखुश हैं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे सभी निराश है, और भी हमारे साथ युवा साथी, हम बात करेंगे चुनाव को लेकर, आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहन जी का कार्यकाल 2007 से भारत तक का देख ही चुके हैं। बहन जी जो सरकार है बसपा, सबसे पहले कार्य करती है शिक्षा पर, जिससे सब चीज़ हासिल हो सकता है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है। सबसे पहले हम यही चाहते हैं, कोई भी सरकार है उसको शिक्षा पर कार्य करना चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। किसी ने काम किया है तो बहन जी ने काम किया है, दलित और सब समाज सम्मान दिया, बहन जी ने सम्मान दिया है, और कोई सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, वर्तमान में चल रही सरकार भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी कोरोना काल में बच्चों को प्रमोट किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सही की प्रमोट करके या गलत की? जैसे आप लोग जान रहे हैं कि प्रमोट किया सरकार ने, जिस प्रकार शिक्षा को हमारे देश में एक राजनैतिक दल से नापा जा रहा है, हमारे देश में शिक्षा को एकदम जमीनी स्तर से नहीं लिया जा रहा है, एकदम जमीन पर लाकर ख़त्म कर दिए हैं, शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया हमारे देश। अगर यह सरकार और हमारे देश में 5 साल रही और बहन जी सरकार नहीं आई, तो हमारा देश एकदम ख़त्म हो जाएगा, बिक चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेच चुके हैं, और नाम बदलने की, जितने हम नाम बदलने में चेंज कर रहे हैं, अगर वही हमारे देश के विकास के लिए लगा दें, हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। जी जी, क्या नाम है? हमारा नाम ऋतिक राव है, हम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। हमारे साथ एक चाचा जी, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा, आपको क्या लग रहा है माहौल देखकर? ये माहौल बहुत सही है बाबू जी, और अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है बहन जी की, और बिहार के विधायक जीत रहे हैं। योगी सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि हमारी पूर्ण बहुमत सरकार, कुछ नहीं है योगी सरकार प्रकार, कुछ नहीं है। राशन मिलता है आपको? राशन आप अपाहिज कर रहा है, मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं क्या? अपने घर का दे रहा क्या? दे रहा तो अपने जनता का दे रहा है ना, जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा 5 किलो दे रहे हैं, 5 कुंतल चरवा रहे हैं। यहाँ तो दिन रात यहाँ घर देखूं कि काम देखूं, लड़का बच्चा देखूं, या खेत संभालूं, उनके साढ़ देवता को देखूं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और चाचा जी, हम बात करेंगे। चाचा जी, आपको क्या माहौल लग रहा है इस जनसभा जनसंपर्क को लेकर, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी जीत रही है जी? इसके लिए हम ज्यादा ना कुछ कहते, मैं राम से पासी हूँ, बात करता हूँ खासी, चाहे दामल हो चाहे। आपने तो आपका जो इधर राजा भैया का आपको डर या दबाव लग रहा है? किसी भैया का डर दबाव नहीं है, मैं बात आपसे क्या कहा कि मैं पासी हूँ, जज्बात भरा हुआ है, बात भरी हुई है। रजवाड़ी जमींदारी जो अम्बेडकर साहब ने खत्म कर दिया, तो चाचा आप जो वर्तमान में सरकार चल रही है, अभी गल्ला दे रही है, तेल दे रही, चना दे रही, नमक दे रही, इस पर आप क्या कहेंगे? भैया, हमेशा हम लोगों के सामने रोटी डालने का काम किया, और हम लोगों की बहुमत इसी तरह हम लोग देते रहे। हम अपना घर नहीं बना सकते, किराए घर में हम जाके रहे, हम ऐसे सरकार से खुश नहीं है और ना रहेंगे। राशन मिलता है आपको? राशन वासन जो कुछ मिलता है, मेहनत से कमाते भी हैं, जो गौ माता चरती है ये अलग है, नुकसान है, फायदा मानो। योगी सरकार तो 4 किलो मिले थे मेरे यहाँ, कुछ भी नहीं।
अब क्या कुछ भी नहीं है। नहीं। आप सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बदलें क्या, हम लोग हाथी वाले हैं, हाथी को वोट देंगे। गौशाला में सर आप देखें, किसी भी गौशाला में आप यहाँ से कहीं पर भी देख लें, वहाँ पर सरकार के यहाँ से तो बहुत कुछ आता है, लेकिन हर जगह आप देखें कि वहाँ गाय मर रही है, कहीं बछड़ा मर रहा है, एक को भी कहीं चारा पानी कोई देने का राजी ही नहीं है, खोल देते हैं। एक चाचा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा आप क्या लग रहा है माहौल यहाँ का देख करके आपको? जी सर, मैं पहले तो अपना परिचय बताऊंगा, मैं प्रेमचंद पासी हूँ। अभी आप बार बार एक ही कई लोगों से सवाल पूछे, फ्री का राशन, फ्री का राशन। मैं पहले आपको ये बता दूँ कि मोदी जी पहले तो अपने घर से नहीं दे रहे, हम लोग एक मजदूर और किसान हैं, अपने ही घर में उगाते हैं और लोगों से खरीद के वो हमको देते हैं। दूसरी चीज़ मैं फ्री की बात करता हूँ, जो फ्री अगर वो हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री कर दे और अच्छी शिक्षा दे। अभी आप कह रहे हो शिक्षा में प्रमोट करने से क्या होगा, कल को जो वैकेंसियाँ निकालेंगे और मेरिट पे जो भर्ती लेंगे तो ये जो प्रमोट किए हैं बच्चे हैं क्या पास होंगे क्या नहीं पास होंगे ना, फिर इनको नौकरी कहाँ, इनका तो भविष्य खराब हो रहा है। हमें प्रमोट नहीं, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल खोले, शराब की दुकानें बंद करें। मैं ये कहना चाहता हूँ सर। तो साथियों ये पासी समाज से आते हैं और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने के पूरा समर्थन कर रहे हैं और इनका कोई भी डर और कोई दबाव नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाना चाहते हैं। इसी साथ हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें।